नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल होली है और आई एम श्योर कि आप सब भी जोरों शोरों से होली की तैयारियां करने में जुट गए होंगे। पर बहुत सारे लोगों को ये भी टेंशन होती है, स्पेशली गर्ल्स को, कि होली के वक्त कलर्स में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनसे अपने बालों को और अपने स्किन को किस तरह से बचाया जाए। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनकी मदद से आप अपने बालों को और आपकी स्किन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए। तो सबसे पहला है स्किन केयर टिप्स। दोस्तों, सबसे पहली बात तो याद रखने लायक ये है कि होली से 4-5 दिन पहले कोई भी फेशियल, ब्लीच या फिर वैक्स बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि ये सब करने के बाद हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और फिर बाद में जब होली के कलर्स हम खेलते हैं तो उन कलर्स में जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से हमारे स्किन को और भी ज़्यादा नुकसान होता है। आपको फेशियल, ब्लीच या फिर वैक्सिंग कराना ही है तो होली के एक हफ्ते बाद आप आराम से करा सकते हैं। सेकेंड, होली खेलने से पहले अपने चेहरे पर, अपने स्किन पर, अपने हाथों पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिए, जिससे कलर जो है वो आपकी स्किन के ऊपर चिपकता नहीं है, आसानी से कलर छूट जाता है। अब कौन सा ऑयल लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्योर कैस्टर ऑयल और प्योर कोकोनट ऑयल दोनों को 50-50% में लेकर अपने हाथों पर, अपने स्किन पर, चेहरे पर, जिस भी जगह पर कलर लग सकता है उन जगहों पर अच्छी तरह से लगा लें। इसकी वजह से क्या होता है, जब भी आप होली खेलने के बाद कलर धोते हो तो कलर आसानी से छूट जाता है, तेल की वजह से वो कलर चिपक के नहीं रहता है। हमारे बॉडी में जितने भी कलर अक्यूमुलेशन वाली जगह है, जैसे उंगलियों के बीच में या फिर कान के पीछे, कान में या फिर गर्दन के पास, ये जो जगह होती है ये कलर के अक्यूमुलेशन वाली जगह होती है, यहाँ पर कलर जाकर ठहर जाता है, रुक जाता है। तो इन जगहों पर कलर बैठ ना जाए इसके लिए आपको इन जगहों पर वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो होती है वो अच्छी तरह से लगा लेनी है। वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो होती है वो कलर को उस जगह पर चिपकने नहीं देती है और जब भी हम इसे वॉश कर देते हैं वो आसानी से निकल जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फी के बड़े शौकीन होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम ऑयल लगाएंगे, सब चिपचिपा करके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, चेहरे पर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों को मिलाकर फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक बैरियर की तरह काम करता है कलर के और आपके स्किन के बीच में। दोस्तों, लड़कियों को वैसे तो मेकअप लगाने को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर होली के टाइम पर स्पेशली आपने मेकअप ज़रूर लगाना है। एक अच्छा सा फाउंडेशन अगर आप लगाते हैं तो वो ड्राई कलर्स जो होते हैं वो आपके स्किन में पेनिट्रेट होने से वो उसे रोकता है। अब ये तो हो गए प्री होली टिप्स, अब देखते हैं पोस्ट होली टिप्स, होली खेलने के बाद क्या करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि जब तक कलर छूटता नहीं है साबुन या फिर फेस वॉश बस मलते रहते हैं 2 बार 4 बार 5 बार, पर ऐसा करने से आप अपने स्किन को और ज़्यादा डैमेज करते हैं, उसे और ज़्यादा ड्राई बना देते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप रंग खेल के आने के बाद प्योर कोकोनट ऑयल लेना है और उसे धीरे धीरे अपने पूरे स्किन पर, गालों पर, हाथों पर, जिन भी जगहों पर कलर लगा हुआ है उसे धीरे धीरे अच्छे से मसाज करना है और फिर मसाज करने के बाद एक गीला कपड़ा या फिर गीला कॉटन लेकर उसे अच्छे से पोंछ देना है, जिससे कलर जो होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है। और इस तरह से कलर पहुँचने के बाद ल्यूक वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं। नहाने के लिए कोई माइल्ड सोप का अगर आप यूज़ करते हैं तो चल सकता है। और नहाने के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, ये स्टेप आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि केमिकल्स की वजह से हमारी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है, उसे हील करने के लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते हैं हेयर केयर टिप्स। दोस्तों, होली में जो कलर्स हमारे स्काल्प में जाते हैं उसकी वजह से हमारे बालों के जो रूट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे स्काल्प पर कम से कम कलर लगना चाहिए, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाल खुले छोड़ने के बजाय हम बालों को अच्छा सा बन बना के बांध सकते हैं, या फिर कोई ब्रेड बना के बांध सकते हैं, या फिर बालों में कैप पहन सकते हैं, स्कार्फ पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से डायरेक्टली कलर हमारे स्काल्प पर नहीं लगता है, जिसकी वजह से स्काल्प हमारी इतनी गंदी नहीं हो पाती है। सेकेंड हेयर केयर टिप है, कलर खेलने से पहले बालों में अच्छी तरह से कोई भी ऑयल हो, प्योर कोकोनट ऑयल लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बालों में ऑयल की मसाज बहुत अच्छे से करनी है, थूरली ऑयल लगाना है बालों के स्काल्प, हमारे स्काल्प से लेकर हमारे पूरे हेयर्स तक अच्छे से ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने की वजह से क्या होता है, कलर जो होता है वो हमारे बालों में चिपक के नहीं रहता है, जब भी हम बाल धो देते हैं तो ऑयल के साथ वो कलर भी अच्छे से और आसानी से निकल जाता है।
अगर आप बालों में ऑयल नहीं लगाना चाहते हो तो आप बालों में लीव ऑन कंडीशनर भी लगा सकते हो। होली खेलने से पहले आप अच्छे से बालों में कंडीशनर लगा लीजिए और होली खेलकर आने के बाद में आप उसे धो सकते हैं। याद रखना है कि कोई भी कंडीशनर हो आपने उसे स्काल्प पर नहीं लगाना है। तो ये तो हो गए प्री होली हेयर केयर टिप्स, अब देखते हैं पोस्ट होली हेयर केयर टिप्स। होली खेलने के बाद में दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब तक बालों में से कलर निकलता नहीं है वो 4 बार 5 बार 6 बार शैम्पू लगाते रहते हैं और शैम्पू करते रहते हैं। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कलर की वजह से आपके बालों को डैमेज हो ना हो, इतनी बार शैम्पू करने की वजह से आपके बाल ज़रूर डैमेज हो जाएंगे, ज़रूर ड्राई हो जाएंगे और टूटेंगे। तो आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। आपने क्या करना है, आने के बाद में बाल एक बार अच्छे से ल्यूक वार्म वाटर से धो लेने हैं, जिससे जो कलर है वो निकल जाता है। और उसके बाद में एक कटोरी में थोड़ा सा दही लेके अच्छे से बालों पर मसाज करना है, स्काल्प पर, पूरे बालों के लेंथ पर भी अच्छे से मसाज करें। इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्यूमुलेटेड कलर होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है और आपके बाल ड्राई भी नहीं होते हैं, क्योंकि आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बालों को नेचुरली मॉइस्चराइजर भी मिल जाता है। और इस दही को कम से कम 20-25 मिनट तक अपने बालों पर लगा रहने दें। इसके बाद आप अपने बाल ल्यूकवॉर्म वाटर या फिर ठंडे पानी से धो दीजिए। अब ये तो हो गया स्किन और बालों के लिए, अब देखते हैं क्लोथिंग टिप्स। दोस्तों होली पर जो है हमेशा कपड़े फुल पहनने की कोशिश कीजिए, फुल स्लीव्स वाले या फिर बंद नेक वाले जो कपड़े होते हैं उस तरह के कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितने छोटे कपड़े पहनेंगे उतना ही कलर आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा लगेगा, उतना ही आपके स्किन को नुकसान ज़्यादा होगा। और होली के लिए ट्राई करें कि डार्क रंग के कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छे से सफ़ेद कपड़ों में खुले बाल छोड़कर हीरोइनें होली खेल रही है वो सब जो होता है वो फिल्मों में ही अच्छा लगता है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि असल में जब हम वाइट कपड़े पहनकर जब होली खेलते हैं और जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, वो सी थ्रू हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर आप ड्राई होली खेल रहे हो, ड्राई कलर्स के साथ होली खेल रहे हो, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग खेलते हैं, हम ड्राई कलर्स के साथ होली खेलते हैं, हम पानी सेव करते हैं बेसिकली, तो अगर ऐसी होली आप खेलने वाले हो तो फिर आप व्हाइट कपड़े आसानी से पहन सकते हैं। नेक्स्ट है लिप्स केयर। दोस्तों हमारे लिप्स जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उसकी स्किन जो होती है वो सबसे ज़्यादा पतली होती है, इसलिए कलर्स का बहुत ख़राब इफेक्ट हमारे लिप्स पर भी होता है। तो लिप्स पर भी एक अच्छा सा लिप बाम लगाना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। आप चाहे तो अच्छी सी लिपस्टिक भी लगा सकते हैं जो एक्ट करेगी एज अ बैरियर बिटवीन कलर एंड योर लिप्स। तो अगर आप चाहते हैं कि होली के दूसरे दिन आप कार्टून की तरह ना दिखे, जिसके कान नीले हैं, गर्दन पीली है, इस तरह से अगर आपको नहीं दिखना है तो आपको याद रखना है कि आपके कानों के ऊपर भी अच्छे से वैसलीन पेट्रोलियम जेली या फिर कैस्टर ऑयल ऑयल और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर जरूर लगाइए, नहीं तो कानों में कलर एक्युमुलेट हो जाता है और दूसरे दिन बाकी स्किन का तो कलर निकल जाता है पर कान जो है वो कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखने लगते हैं। जिन लोगों को कान की कोई एलर्जी है या फिर कान में कोई प्रॉब्लम है उन लोगों ने याद रखना है कि कान में कॉटन ज़रूर डालना है। आँखों की अगर बात करें तो अगर आपको कहीं भी कलर खेलते समय थोड़ा सा भी इरिटेशन आपको अपनी आँखों में लगता है तो तुरंत अपने आँखों को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करें, क्योंकि हमारी आँखें बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक होती है और कलर्स में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारी आँखों के ऊपर पड़ सकता है। और जो लोग भी लेंस पहनते हैं उन्हें मैं सलाह देना चाहूँगी कि जब भी आप कलर्स खेलने वाले हो आप लेंस पहन के बिल्कुल ना जाए। और दोस्तों जैसा मैंने अपने लास्ट वाले वीडियोस में बताया था कि अगर हम नेचुरली मेड यानी वेजिटेबल से बने हुए या फिर फूलों से बने हुए कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ट्राई कीजिए कि आप नेचुरल कलर से होली खेलें इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक कलर या फिर सिंथेटिक डाइज। तो ये था आज का वीडियो, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिए आपके होली खेलने वाले उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।